मेरे पास नौजवान लड़कों का फोन आता है कि वो शादी करना चाहते हैं, पैसे भी कमाते हैं, जॉब भी करते हैं, उसके बावजूद माँ बाप शादियां नहीं करवा रहे हैं। तो ऐसे नौजवानों से बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करूंगा कि अगर आप खुद कफील हैं, पैसे खुद कमाते हैं और आप अपनी बीवी और अपने बच्चे को एक रोटी खिला सकते हैं और उसकी रोटी का इंतजाम आप कर सकते हैं और अपने खर्च पर शादी कर सकते हैं, तो फिर इस मामले में ताखीर ना करें। बालिग होने के बाद शरीयत ने आपको हक दिया है और माँ बाप बस रिश्ता लेकिन माकूल हो, ऐसे नहीं मोहब्बतों की शादियाँ, इससे ये भी चांस है कि मोहब्बतों की शादियाँ, प्यार मोहब्बत की शादी, इसका रुझान भी बढ़ जाए माशरे में। लेकिन बात यह है कि फिर माँ बाप ताखीर क्यों कर रहे हैं, हालांकि उनकी अपनी शादी बहुत कम एज में हुई थी और जमा और हालात और माहौल उससे बदतर हो चुका है। अब ना लड़का रुकने को घर में तैयार है, ना लड़की रुकने को तैयार है, लेकिन फिर भी वक्त पर शादी नहीं करवाई जा रही। तो इसका नुकसान ये हो रहा है कि मर्दों औरतों के इख्तलात की वजह से दोनों के डिजायर्स बिल्कुल खराब हो चुकी हैं और बढ़ चुकी हैं और अब दोनों जिना के दहाने पर पहुंच चुके हैं, लेकिन माँ बाप को इस बात का फिक्र बिल्कुल नहीं है, न इस बात की परवाह है और वो समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल सेफ है, हमारी बच्ची बिल्कुल सेफ है। लेकिन बच्चा और बच्ची दोनों बहुत ज्यादा गुल खिला चुके हैं और न जाने आपस में कितनी जिंदगियां तबाह कर चुके हैं। तो हमारे पास तो मसाइल आते हैं, इसलिए इस बिना पर अर्ज कर रहा हूं मैं।